हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ कि वीएमवेयर मींस वर्चुअल मशीन हम लोग किस तरह से हम लोग उसके ऊपर आज काम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वीएमवेयर हम लोग किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, बट आज की वीडियो में है क्या कि वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर वीएमवेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आइकन है शॉर्टकट वीएमवेयर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे कुछ सेटिंग्स करनी होगी। ये मेरा आया है यहाँ पे वेलकम डायलॉग बॉक्स और यहाँ पे जो भी मेरी मशीन बनी होंगी सारी यहाँ शो हो जाएंगी, बट अभी मेरी कोई नहीं बनी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, आईएसओ फाइल चाहिए होगी। अब आईएसओ फाइल बेसिकली क्या होता है, एक पूरी की पूरी कंप्रेस्ड फाइल होती है जिसके अंदर एक पूरा का पूरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज 7 की बात करूँ, 8 की बात करूँ, 10 की बात करूँ, 11 की बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। जैसे ब्राउज करके दिखाता हूँ आपको मैं सिस्टम के ऊपर, तो ये सारी पड़ी हुई है, विंडोज 10 की पड़ी है, 7 की पड़ी है, विंडोज 7 ऑल इन वन पड़ी है, एप्सन की पड़ी है, विंडोज 10 की पड़ी है, तो जो भी मेरे को चाहिए मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली विंडोज 10 और यहाँ पे करता हूँ ओपन, तो मेरी पूरी इमेज आ गई है और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पूछ रहा है विंडोज़ की प्रोडक्ट की, अब मेरे पास नहीं है की तो मैं इसको स्किप करूँगा। तो मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, 10 चाहिए, नहीं मैं कहता मुझे प्रो चाहिए, मैंने प्रो लिया। विंडोज़ का नाम क्या होगा, जो आपका यूज़र नेम आएगा वहाँ पे, तो मैं यहाँ देता हूँ वर्चुअल। पासवर्ड ऑप्शनल है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो नहीं, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट किया, यू डिड नॉट एंटर ए विंडो प्रोडक्ट की, विंडोज़ विल इंस्टॉल विदाउट वन बट मस्ट बी मैनुअली एक्टिवेटेड लेटर। ओके, तो मैं इसको एक्टिवेट बाद में कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछा है लोकेशन कि किस हार्ड डिस्क के किस लोकेशन में आपको ये जो फाइल बनेगी आपकी वर्चुअल मशीन के क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डी ड्राइव। तो मैंने यहाँ पे लिया डी ड्राइव, ओके, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया वर्चुअल और करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बोल रहा है कि जो साइज मिनिमम है वो 60 GB का चाहिए, बट अगर आपको एक्सपेंड करना है आप बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया 120 GB का और उसके बाद बता रहा है क्या कि स्टोर वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल एज ए मल्टीपल फाइल। मैं सिंगल फाइल कर देता हूँ ताकि एक ही फाइल बने और मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। अगर एक ऑप्शन और आ रही है मल्टीपल फाइल की, मल्टीपल फाइल में क्या होगा कि अगर मैं इस मशीन को वर्चुअल फाइल को अगर मैं किसी और कंप्यूटर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ, बट उससे क्या हो सकता है कि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं शायद कम हो सकती है। तो बेटर है यहाँ पे क्या करो कि आप सिंगल फाइल क्रिएट करो। मैं यहाँ पे सिंगल फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। अब ये बताना है कि वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट होगी इस सेटिंग्स के साथ, वो क्या है, वर्जन होगा ये विंडोज 10 64 बिट, हार्ड डिस्क होगी 120 GB की, मेमोरी कितनी है 2.48 मीन्स 2 GB की। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमाइज और ये मेमोरी का साइज़ आ रहा है 2 GB, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 GB, 8 GB। ये बता रहा है क्या कि जो रेकमेंड है वो 2 GB का है और मैक्सिमम साइज़ जो है मेरा वो हो सकता है 9.6 GB का, तो मैं यहाँ पे 8 GB कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया 8 GB का। फिर वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, कितनी कोर चाहिए, 2, मैं यहाँ पे करता हूँ 4, 4 के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे 6। देखो 6 सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज इतना प्रोसेसर कंपेटेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज और यहाँ पे करता हूँ फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया, फिनिश करने के बाद यहाँ तो कोई ये एरर देगा, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा और जो फाइल बनेगी हमारी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरफ। अभी ये क्रिएट कर रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब आ गया एरर, क्या बता रहा है कि एरर वाइल पावरिंग ऑन द होस्ट सपोर्ट इंटेल वर्चुअल टेक्नोलॉजी VTX बट इंटेल VTX इज डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बायो सेटिंग में जाना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका नाम आ गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सेम एरर दोबारा से आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा ना तो जो हमने विंडो इंस्टॉल नहीं करनी होगी या नया सिस्टम बनाना होगा तो वो चल जाएगा हमारा। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, इसको ओके करना है, दूर करना है एरर को। मैं यहाँ पे करता हूँ ओके और यहाँ पे करता हूँ क्लोज। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेना होगा कंप्यूटर रिकवरी। मैंने प्रेस किया विंडो आई, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा रिकवरी पे और रिकवरी पे जाने के बाद यहाँ पे
मैं करूँगा एडवांस स्टार्टअप के अंदर जाके रीस्टार्ट। सो जैसे ही मैंने रीस्टार्ट किया, इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और सिस्टम हो रहा है अभी रीस्टार्ट। बने रहिएगा, स्टेप को मिस मत करना बिल्कुल भी, अगर आपने मिस कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज़ करने वाला हूँ क्या, ट्रबल शूट, और यहाँ पे लूँगा मैं एडवांस ऑप्शन। जैसे मैं एडवांस पे गया, एडवांस पे जाने के बाद मुझे चूज़ करना होगा UEFI फर्मवेयर सेटिंग, और मैं यहाँ पे करूँगा रीस्टार्ट। यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन लेनी है क्या, मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ बायोस सेटअप। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ बायोस के सेटिंग के ऊपर, और यहाँ पे आपको जाना है UEFI ड्राइवर। यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं दिखी तो मैं जाता हूँ एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद ऑप्शन देखता हूँ सिस्टम ऑप्शंस। हाँ ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गई है क्या, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की VTX। तो इसको आपको इनेबल करना है, जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे इनेबल किया और यहाँ पे करता हूँ सेव, एंड सेव के बाद सेव चेंजेस यस। अब ये डिपेंड करता है हर एक सिस्टम की बायोस के ऊपर कि वहाँ पे वो फीचर कहाँ पे जाके मिलता है। तो वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं अपने PC पे या लैपटॉप पे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट सेव एंड देन यस। अभी सिस्टम हो रहा है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद जो प्रोसेस हमने स्टार्ट पहले किया था VMware फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद जब एरर आया था, अब वो एरर ख़त्म हो जाएगा और आगे आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप कोई भी, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे आपका विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 7 हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग VM सॉफ्टवेयर। तो एक बार ये सेटअप स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसको एग्जीक्यूट करके। सो दोस्तों सिस्टम हो गया है मेरा रीस्टार्ट। अब चलते हैं, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को और देखते हैं कि अब वो एरर रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो अब एग्जीक्यूट हो रहा है और जो लास्ट मैंने फाइल बनाई थी ये वाली यहाँ पर आ गई है, उसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्ले पे। तो जैसे मैंने प्ले पे किया, देखिए फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, विच मीन्स कि हमारा अब सिस्टम ओके हो गया। और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10, क्योंकि मैंने जो ISO फाइल ली थी विंडोज 10 की ली थी। तो अब मैं देखो 10 स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो गया है और विंडोज 10 जो है मेरी इसी वर्चुअल VMware की फाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद में कोई भी, चाहे मेरा कोई गेम हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, मैं उसको चला सकता हूँ अपने इसी लैपटॉप PC के ऊपर ही। सो कुल मिला के बात इतनी है कि विंडोज 7 पे काम करना हो, विंडोज 8 पे काम करना हो, विंडोज 10 पे काम करना हो, 11 पे करना हो, तो आपका जो एक सिस्टम है प्राइमरी, उसके बाद आप वर्चुअली क्रिएट करके जितने मर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, इसका प्लस पॉइंट है। तो विंडोज 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको दिखा देता हूँ अभी साथ साथ में। ये फुल स्क्रीन मोड है आपका, क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मशीन पर आ जाएगा, वर्चुअल मशीन पे, ये फुल स्क्रीन पे, ये फुल पे। तो ये आपका तकरीबन 5 टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट, डिपेंड करता है आपकी रैम के ऊपर, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो स्पीड है आपके प्रोसेसर की। बट जिस हिसाब से मैं अपने लैपटॉप पे बता रहा हूँ तो ये आपका इट विल टेक नियरली 10 to 15 मिनट्स। बट आपको मैं इसको कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड और आपको दिखाऊंगा चला के कि विंडोज़ 10 के अंदर भी मैंने एक नई विंडोज़ 10 कर दी है यूजिंग VMware वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बेल आइकन प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए यूज़फुल उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड एक चीज़ और चाहूँगा आपसे कि हमेशा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, जरूरी नहीं कि जब प्रॉब्लम आए तभी करना है या कोई इशू हो तभी करना है। आप मुझे एक वेलकम मैसेज भी, एक विशेस का मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए आपके सामने। आप ये देखिए विंडोज 10 इंस्टॉल हो रही है, लेकिन साथ में मैं अपने PC पे बैकएंड पे अपना काम भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा यहाँ पे VMware के ऊपर विंडोज़ में इंस्टॉल हो रही है ना, कमाल की चीज़। तो फाइल्स पूरी कॉपी हो चुकी है मेरी, और जो ये अपडेट ले रहा है ऑटोमेटिक ये भी लेगा, उस बात फिनिश कर देगा। हार्डली इट विल टेक नियरली 5 to 7 मिनट्स इसके बाद, बट डोंट वरी, इसको भी मैं कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड आपके लिए। तो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको रीस्टार्ट, बट डोंट वरी, सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप हमारा काम कर रहा है, एक्चुअली सिर्फ VMware की बात कर रहा है रीस्टार्ट की, हमारा वर्क कर रहा है। ये सारे डिवाइसेस है, जैसे ये आपका हार्ड डिस्क, ये आपका CD ड्राइव, ये आपका फ्लॉपी ड्राइव, ये आपका नेटवर्क ड्राइव, ये आपका साउंड ड्राइवर, ये आपका HD कैमरा और ये सेंसर्स। तो जो भी आपके सब सिस्टम पे, लैपटॉप पे, जो भी आपके डिवाइस होंगे
वो सब ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर करेगा एज ए वर्चुअल मशीन। सो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यूज़र नेम दिया था ओम साई वर्चुअल, तो उसी नाम से यूज़र नेम बन गया है। और डेस्कटॉप का वर्जन जो है अभी आने वाला है, तो मेरी विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। एक बार पूरा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ अपनी जो मेरी मेन विंडो है और जो वर्चुअल की विंडो है। तो ये जो है वर्चुअल विंडो है जो भी हाई लिख के बता रहा है। अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, यहाँ पर मुझे कैंसिल करना है, ये फुल स्क्रीन है, देखिए ये पीछे मेरी विंडो ओपन है और ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है यूजिंग VMware। तो जो भी मुझे इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो गेम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने इस सेकंड एडिशन के अंदर, जो कि वर्चुअली मैंने क्रिएट किया है यूजिंग VMware। तो ये है पावर VMware वर्कस्टेशन की। तो जब हम बात करते हैं ना कि हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए पर्टिकुलर जो कि वो विंडोज़ के कंपैटिबल नहीं है, या फिर वो हमें करना है यूनिक्स के ऊपर या लिनक्स के ऊपर, तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल हो गई है हमारे पास, जो कि वर्चुअली है क्रिएटेड है। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ फुल स्क्रीन से, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा मेन डेस्कटॉप है, इसको मैं यहाँ करता हूँ, जो मेरा मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे विंडोज़ की। और ये जो है मेरी VMware के अंदर मैंने विंडो इंस्टॉल की है, इसके बाद मैं गेम इंस्टॉल कर सकता हूँ अपनी। फिर हाल के लिए जो उसने VMware की जो फाइल्स थी टेम्परेरी, उसको रिमूव की है, और रिमूव करने के बाद इसको फास्ट करने के लिए इसको ऑटोमेटिकली इसको रिस्टार्ट किया है। तो रिस्टार्ट जो है हमारा मेन PC लैपटॉप नहीं है, बल्कि वर्चुअल मशीन का PC लैपटॉप है जिसने इसको रिस्टार्ट किया, उसके बाद कन्फिगर कर देगा। और यूज़र नेम क्या था जो मैंने दिया था, वर्चुअल ओम साई करके। सो दिस इज़ द वर्चुअल मशीन, आप देख पा रहे हैं। और इसको अगर मुझे करना हो स्टॉप, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, शट डाउन गेस्ट। जैसे मैंने इसको यस किया, तो अब ये जो है विंडोज़ बंद हो जाएंगी, कभी सीधा कभी आपने यहाँ से डायरेक्ट पावर ऑफ नहीं करनी है, शट डाउन हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए दोबारा जैसे वहीं पे होम पे जाएंगे, तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्चुअल मशीन आ जाएंगे। तो वहाँ पे जो मैंने नाम दिया था, ये वाला वर्चुअल विंडोज़ 10x64, ये वाला, उस पर क्लिक करके मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सर पूरा बंद हो गया यहाँ पे कंप्लीट, मैं यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ VMware। VMware ओपन करने के बाद जो भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए होंगे, जैसे यहाँ पे होम पे आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट, जैसे एग्जीक्यूट किया तो मेरी विंडो वर्जन वाला स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आप तक वो पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।